इधर मेरी चॉकलेट हो रही है लोडिंग टेम्पू में। चला दौर में वे ऐक्चुअली एकदम झारखंड अराउंड। तो राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो मुझे नहीं पता इस गांव का नाम क्या है, एक छोटा सा सिटी है। और मैं कल रुका था इस मंदिर में। और नमस्कारम। और यहां के सेवादार हैं, सेवा करते हैं। और ये जो है ना, ये पीतल का बनाया गया है, क्योंकि किसी तरह मैं मैनेज कर पूछा कि ये खंभा क्या चीज़ का है, तो बोले कि पीतल का है। और ये रहा मुख्य द्वार। और अभी मैं जाने वाला हूँ, पूजा करने वाला हूँ। उसके बाद मैं पूजा वूजा करता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ क्या क्या लिखा हुआ पता नहीं है। और यहाँ पर कछुए थे, लेकिन कहाँ चले गए पता नहीं। यहाँ पर कबूतर है और ऊपर काफ़ी सारे कबूतर हैं यहाँ पर। तो ठीक है, पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। और मैं वहाँ पर सोया था रात में, स्टे किया था। और काफ़ी बड़ा मंदिर है। इधर मेरा ये चॉकलेट खड़ी है, कब से वेट कर रही है कि जल्दी हमको इलाज कराओ, क्योंकि पूरा एक ख़राब हो चुका है। लगता है कि 2 से 3 हज़ार रुपया चूना लगाएगी। गुड मॉर्निंग बोल दी। चलो अब चलते हैं पूजा। नाना जी पंडित जी, दादा हाँ झारखंड, दादा पंडित जी, बड़े भाई ओके, नमस्ते। सर मेरी चॉकलेट हो रही है लोडिंग टेम्पू में, और पता नहीं कितना लेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के लोगों से, काफ़ी प्यार मिला। भले ही इनके भाषा में समझ ना पाऊँ, लेकिन काफ़ी प्यार मिला। अंकल इंडिया अंकल झारखंड तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पिथापुरम पहुंच चुके हैं। और अंकल जी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, अपने गांव से आए हैं मुझे साइकिल बनाने के लिए। बोले कि हम पूरा हेल्प करके अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी चॉकलेट को इलाज कराने के लिए। और पीछे एक हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ बोले कि नहीं बनेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा जगह। और अंकल जी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ दुकान, लेकिन दुकान बंद है। अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुका है, और लगभग 1 घंटे बाद ही खुलेगा। और मेरी चॉकलेट काफ़ी बीमार है। और अंकल जी काफ़ी हेल्प किए, जितना भी तारीफ है उतना कम है। क्या बोलते हैं कि मतलब कि इशारा में बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा चॉकलेट को बनाना दूँ, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ घर। तो क्या ही बोले, वहाँ पर भी मंदिर में भी काफ़ी प्यार मिला पंडित। तो इधर मेरा चॉकलेट का इलाज हो रहा है, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है बनाने में, क्योंकि इसका सामान यहाँ मिल नहीं रहा है। और इसी तरह बना दे रहे हैं अंकल जी। बोले कि यहाँ से एक सिटी है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, तो वहाँ जाना, वहाँ अच्छे से बना लेना, तत्काल में बना दे रहा हूँ। तो मेरी चॉकलेट बन कर रेडी हो चुकी है,
लेकिन इनका सामान अभी नहीं मिला तो मुझे काकीनाड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि कम चलाओ बन चुका है। बोले मिस्त्री जी कि काकीनाड़ा तक जाकर वहाँ सामान ले लेना, उसके बाद फिर आगे ही जाना, बना लेना वहाँ अच्छे से। अंकल जी नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली तेलुगु, कोई समझ नहीं आ रहा है। इधर पूरा तभी बना रहे हैं, किसी को इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं समझ आता है। तो ठीक है, हम निकलते हैं काकीनाड़ा के लिए, क्योंकि मेरे चॉकलेट के जितना भी सामान है वही मिलेगा, तो चलते हैं। और लगभग अभी टाइम 12:30 बज चुका है और यहाँ पर आए थे 9 बजे, तो काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। काकीनाड़ा तेलुगु। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, सुबह मैं मंदिर में प्रसाद में आया था, वही मैं खाए हुए अभी तक हूँ, क्योंकि मेरी चॉकलेट बीमार थी तो उसे इलाज हो चुका है, लेकिन उतना इलाज नहीं हुआ है उतना होना चाहिए। मिस्त्री जी बोले कि काकीनाड़ा जाओ, वहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा और वहाँ पर पूरा लगा लेना, उसके बाद ही शुरू करना, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए मैं काकीनाड़ा जा रहा हूँ, यहाँ से 16 किलोमीटर है, और सबसे पहले मैं खाने का व्यवस्था करता हूँ, अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं खा लूँगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहें। चॉकलेट को रिपेयरिंग करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगा, बहुत मुश्किल से हुआ, इधर काटना उधर काटना, और 400 रुपये खर्चा आया बनाने में। मैं आज पास देख रहा हूँ कहीं खाने के लिए कुछ मिल जाए, मैं खा लूँगा। तो गाइस इतना धूप है कि सर्वाइव करना मुश्किल है, एक जगह रुकना पसीना पसीना हो जाना। इधर ना बहुत धूप है, बहुत ऊपर देखना मुश्किल है, लेकिन हरा भरा देखकर ना अच्छा। मकई वन पीस 20। तो एक मकई बाल 20 रुपये का है, तो ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इधर कुछ खाने वाला है भी नहीं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो अभी मैं काकीनाड़ा सिटी में इंटर कर चुका हूँ, और सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ साइकिल दुकान, और वहाँ से सीट ले हेलमेट लेना है, अगर हेलमेट मिल जाएगा तो हेलमेट ले लेंगे। आंध्र प्रदेश स्कूल प्लेस, हिंदी आता क्या? नो हिंदी, हिंदी नो बोलो। वो क्या चीज है वो? वंडा। हाँ दे, ओनली भेज है ना, भेज। हाँ। दो पीस। तो अभी मैं खाने वाला हूँ आलू चाप, और कुछ पैकिंग भी ले लूँगा। ओके ठीक है, खाने ओके। తెలుగు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు, యాక్చువల్గా ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ జార్ఖండ్ అరౌండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, దట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ చాలా చాలా మెచ్చుకోదగిన విషయం. ఇక్కడ లోకల్గా ఏమైనా హెల్ప్ కావాల్సే అక్కడ స్టాలింగ్ సైకిల్స్ అని ఉంది, సో దారిలో చూశాను అతన్ని, హెల్ప్ కావాల్సే అతన్ని అడగమని చెప్తాను. ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. हाँ भैया जी, बॉडी बिल्डर जिम है, और कोच ओनली कोच या जिमर? ओनली ओनली आई मीन फिटनेस ट्रेनर। ओके फिटनेस ट्रेनर, थैंक यू। काकीनाड़ा सिटी से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट का कोई भी पार्ट नहीं मिला, और हेलमेट भी नहीं था यहाँ पर, साइकिल हेलमेट,
तो एक शॉप था लेकिन वो 4 बजे खुलता और उसमें हेलमेट नहीं था, सबसे बड़ा था हेलमेट। ऐसे भी काम मेरा चल रहा है, चॉकलेट बन चुकी है, तो जा रहे हैं यहाँ से। अभी मैं जा रहा था पेट्रोल टंकी पानी भरने के लिए, तभी एक अंकल जी आए और मुझे एक बोतल पानी देकर चले गए, और क्या क्या बोले मुझे पता नहीं, और जो भी बोले होंगे अच्छा ही बोले होंगे। तो इधर साल में 2 बार धान का खेती होता है, अभी पूरा कादो हुआ है इधर भी पूरा। तो आज मैं रहने वाला हूँ समराला कोटा सिटी में, और एक ये छोटा सा सिटी है लेकिन मंदिर बहुत सारा है। लगभग अभी मैं नेट पर सर्च कर रहा था, लगभग 10 से 15 मंदिर है, और जिसमें ऐतिहासिक मंदिर भी है, लगभग 100 साल 200 साल पुराना। तो चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ मैं आज रात को स्टे में करता हूँ, कहाँ मैं रुकता हूँ। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक चीज़ समझ नहीं आया कि अपने घर के द्वार पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं, देख सकते हैं हर द्वार पर, देख सकते इधर भी लिखा हुआ। अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट में लिखें, कुछ ना कुछ छपा हुआ। तो अभी मैं आया हूँ एक टेंपल में, और यहाँ कोई दिख नहीं रहे हैं कि मैं किसी से परमिशन लूँ, लेकिन नाइट स्टे करने के लिए काफ़ी जगह है। अगर इधर भी मिल जाएगा तो मैं रह सकता हूँ, या इधर भी काफ़ी इसके अंदर देखता हूँ, कोई आएगा तो फिर बोलेंगे, नहीं तो देखा जाएगा।